ये है यूपी का मेरठ शहर, जहां एक ओर योगी सरकार गुंडे बदमाशों के घर बुलडोजर चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर खुलेआम कुछ लोग सड़क पर हुड़दंगई करते नजर आ रहे हैं। नीले रंग की शर्ट और काले रंग की शर्ट पहने ये दोनों लड़के बकायदा नशे की हालत में कार की बोनट और रूफ टॉप पर चढ़कर नाच रहे हैं, वो भी बिना किसी डर और खौफ के। ये लोग रात के समय में सड़क पर तमाशा कर रहे थे, तभी अचानक दो और लड़के इन लड़कों की टोली को ज्वाइन कर लेते हैं। रात के समय में फुल वॉल्यूम पर स्पीकर लगाकर ये सभी मिलकर सड़क पर ही क्लब बनाकर नाचने लगते हैं। इतना ही नहीं जनाब, बल्कि ये लड़के इस पूरे वाक्या को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद भी कर रहे थे। दरअसल ये पूरा कांड एसएसपी ऑफिस के पास ही हो रहा था। अब एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। वीडियो आप बता रहे हैं, ये लालकुट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक प्राइवेट बैंक है और उसके सामने की घटना है। ये कल रात की घटना है जिसमें कि कुछ युवक अपनी कार पे, जिस तरह की घटना आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो नशे इत्यादि में कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं। अब इन सभी युवकों को चिन्हित करके इन पे निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त यूपी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन फिर भी रात के समय लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि खुराफात मचा सके। ऐसे में योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर इस प्रकार की तस्वीरों से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कैसे मजबूत बनाएंगे योगी जी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।